पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट के तीन राज्यों से हाथ धो बैठी कांग्रेस एक बार फिर नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरकर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस को जहां राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारें गंवानी पड़ी, वहीं एमपी में लौटने की सारी उम्मीदें उस वक्त धूल धूसरित हो गईं जब यहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया। ऐसे में दक्षिण के एक राज्य तेलंगाना में ही कांग्रेस को सहारा मिला और सरकार बनी। अब आने वाले आम चुनाव के मद्देनजर देश के हिंदी भाषी राज्यों सहित अन्य सूबों में अपनी पकड़ बनाने के लिए कांग्रेस ने फिर तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्यवार नेताओं की मीटिंग शुरू कर दी है। शनिवार को गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष ने लोकसभा तैयारियों की समीक्षा करते हुए राहुल गांधी के साथ नेताओं को जरूरी मंत्र दिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने बताया कि करीब ढाई घंटे चली इस मीटिंग में गुजरात में कांग्रेस संगठन की स्थिति समेत तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात हुई। ढाई घंटे तक के बैठकर हमने गुजरात में क्या स्थिति है, संगठन की क्या स्थिति है, वहां पर राजनीतिक स्थिति क्या है, संगठन के जरिए क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरह से हमारी लोकसभा की तैयारी चल रही है और कैसे हम सब मिलकर आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं उसका कैसा मुकाबला कर रहे हैं, ये तमाम चीजों को लेकर बड़े गहराइयों में जाकर हमने चर्चा करी और एक नए सिरे से अब वहां पर गुजरात में हमारे संगठन को और सशक्त कैसे बना सकते हैं, उस दृष्टि से विचार विमर्श हुआ है। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक में मिली जीत से कांग्रेस में एक नई जान आई थी, लेकिन एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों ने कार्यकर्ताओं को मायूस कर दिया है। ऐसे में जबकि 2024 की गर्मियों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस बहुत तेजी से अपने आप को फिर से एक्टिव मोड में लाना चाहती है। यही वजह है कि 20 दिसंबर से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसमें प्रदेश के 9 जिलों में लोगों से मुलाकात कर सीधा संवाद होगा। प्रियंका इस दौरान पदयात्रा करते हुए आम जनता की समस्याओं से रूबरू होंगी। कांग्रेस जिस तरह से हाल ही में मिली चुनावी चोट से उबर कर जनता के बीच लौटने का माहौल बना रही है, उससे ये तो पता चल रहा है कि पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है और इस बार कड़ी टक्कर की तैयारी में है। चाहे दिल्ली कांग्रेस हो या फिर पार्टी की एमपी इकाई, सभी जगह एक के बाद एक मैराथन बैठकों का दौर जारी है और उसके बाद आलाकमान के साथ चर्चा के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं।